हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन शर्मा हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टर्स आईएएस। आज हम इस चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक स्टेट्स, यूटीज और कैपिटल्स इंडिया की। ये जो टॉपिक है बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है, बहुत इजी सा टॉपिक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स और बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस टॉपिक को बड़ा लाइटली लेते हैं और इस टॉपिक से अगर देखा जाए 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोकस करना चाहता हूँ ये टॉपिक किस एग्जाम के लिए है। ये टॉपिक है JKSSB के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और क्लास 4 का जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बट आएगा तो आपको 2 से 3 मार्क्स जरूर दे के जाएगा। आज हम एक लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं बिकॉज अगर देखा जाए तो इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत सारी स्टेट्स हैं, इसमें बहुत सारी यूटीज हैं और उनकी बहुत सारी कैपिटल्स। बट हम सिर्फ इसी टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, हम एक ऑल इंक्लूसिव वीडियो लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम इस टॉपिक के साथ साथ कुछ और फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। सो दैट अगर एग्जाम में ये 3 से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है तो वो 3 से 4 मार्क्स आपके सिक्योर होने ही चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेट्स, कैपिटल्स और उसकी यूटीज को। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि भाई किसी भी स्टेट की कैपिटल बता दो, तो आप इजीली बता दोगे, है ना। कोई भी बता सकता है भाई स्टेट की ये कैपिटल है, इस स्टेट की ये कैपिटल है। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके साथ मैक्सिमम बाउंड्रीज टच होती हैं, तो शायद बहुत सारे एस्पिरेंट्स और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर मैं अगर आपसे ये पूछूं इंडिया की ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके साथ इंटरनेशनली किस किस कंट्री की बाउंड्रीज टच होती हैं, तो वो भी शायद बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं दे पाएंगे। बिकॉज जो इजी है, एकदम कन्वेंशनल वे, ट्रेडिशनल वे से एग्जामिनर आज क्वेश्चंस पुट नहीं कर रहा है। बहुत ट्रिकी हो गया एग्जामिनर, बहुत चलाकी के साथ क्वेश्चंस पुट कर रहा है और आपको भी वैसे ही चलाकी के साथ प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक जिसको मैं फिर से बोल रहा हूं, हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे लेकिन सिर्फ उतनी ही डेप्थ कवर करेंगे जितनी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। आपको सिर्फ ये सिलेबस पढ़ना है, इस सिलेबस में PhD नहीं करनी, आपको सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसमें PhD नहीं करनी। तो इसलिए हम उतनी डेप्थ में जाएंगे जितना जरूरी है और उतना छोड़ देंगे जो जरूरी नहीं है। आफ्टर ऑल एग्जामिनर एक ह्यूमन माइंड का टेस्ट ले रहा है, कंप्यूटर का टेस्ट नहीं ले रहा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको पूछ रहा था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो, जैसे मैंने अभी आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे, शायद बहुत से लोगों को नहीं आएंगे। कौन सी स्टेट इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, कौन सी सिटी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट इंडिया की सबसे बड़ी है, कौन सी स्टेट इंडिया की या कौन सी यूटी इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट यूटी है, एरिया वाइज हो या पॉपुलेशन वाइज हो। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इसमें हम ऑलमोस्ट आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स पढ़ाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तभी मैं बोल रहा हूं ये एक लेक्चर सीरीज है, इस लेक्चर सीरीज को आप ध्यान से फॉलो करिए। 3 से 4 वीडियोस इसमें आएंगी और लास्ट में हम आपको MCQs भी प्रोवाइड कर देंगे जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इजी वे इसको तैयार करने का ये है, आप इंडिया को जोन्स में डिवाइड कर दो और आपको स्टेट्स, यूटीज और उनकी कैपिटल्स भी याद रहेंगी। वो मैं आपको एक चार्ट के थ्रू पढ़ाऊंगा और देखिए कैसे पढ़ना है इंडिया की स्टेट्स, यूटीज और उनकी कैपिटल्स को। स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन और साउथ जोन, हम इंडिया को जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि आपको पता चले नॉर्थ जोन में कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ईस्ट जोन में कितनी है, वेस्ट जोन में कितनी है, साउथ जोन में कितनी है और नॉर्थ ईस्टर्न जोन में कितनी स्टेट्स हैं और क्या है। ठीक है, इसके साइड बाय साइड हम यहां पे एक और चीज बता देते हैं आपको, थोड़ा माफ कीजिएगा मेरी थोड़ी ड्राइंग वीक है तो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आप लोगों को। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सी है आपका, वेस्ट में आपका सी आ जाता है अरेबियन सी, ईस्ट में आपका सी आ जाता है बे ऑफ बंगाल और नीचे डीप डाउन में आपका सी इंडियन ओशन आ जाता है। ठीक है, अब हम इंडिया को ऐसे ही डिवाइड करके ऐसे ही सारी स्टेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, वीडियो छोटी रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाएंगे और फिर आपको ताकि इजीली ये चीज क्लेरिफाई हो सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं
नॉर्थ जोन को। इंडिया के नॉर्थ जोन में कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज हैं? इंडिया के नॉर्थ जोन में टोटल आ जाती है आपकी नाइन, एन फॉर नॉर्थ एन फॉर नाइन। तो ये आपको याद रखना है, नॉर्थ जोन में नौ स्टेट्स और यूटीज हैं और ये नॉर्थ जोन है। नाइन के अंदर मैं आपको बता देता हूं, इसमें चार आपकी यूटीज आ जाती हैं और पांच आपकी स्टेट्स आ जाती हैं। ओके, और एक चीज और, एक जोन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका आ जाता है सेंट्रल जोन। जैसे मैंने नॉर्थ जोन में बताया कि नाइन स्टेट्स हैं, वैसे ही कुछ स्टेट्स वेस्टर्न जोन में आ जाएंगी, कुछ नॉर्थ ईस्ट जोन में आ जाएंगी, कुछ ईस्ट जोन में आ जाएंगी, साउथ जोन में आ जाएंगी और सेंट्रल जोन में आ जाएंगी। ऐसे ही हम इंडिया की स्टेट्स और यूटीज को डिवाइड करेंगे कि टोटल कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नॉर्दर्न जोन की, जिसमें मैंने आपको बताया नाइन स्टेट्स और यूटीज हैं, जिसमें से चार यूटीज हैं और पांच आपकी स्टेट्स हैं। ओके, इस पे ज्यादा हमको फोकस करना ही पड़ेगा, साइड बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज प्रिपेयर करनी है। नॉर्थ जोन का पहले तैयार करेंगे, फिर सेंट्रल जोन का, वेस्टर्न जोन का, जैसे आपको इजी लगे वैसे ही हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था, इंडिया को हमने जोन्स में डिवाइड कर दिया हुआ है और जोन्स के अकॉर्डिंग ये रहा आपका डाटा। नॉर्थ जोन में नाइन, टोटल नाइन नंबर है, जिसमें कि पांच आपकी स्टेट्स आ जाती हैं और चार आपकी यूटी आ जाती हैं। साउथ जोन में आपकी टोटल नंबर है छह, जिसमें आपकी पांच स्टेट्स आ जाती हैं और एक यूटी आ जाती है। वेस्टर्न जोन में आपकी टोटल नंबर है फोर, जिसमें आपकी थ्री स्टेट्स आ जाती हैं और एक यूटी आ जाती है। सेंट्रल जोन में आपकी थ्री, टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल जोन में स्टेट्स ही थ्री है, इसमें कोई यूटी नहीं है। ईस्ट जोन में आपकी टोटल फोर स्टेट्स हैं, नो यूटी। और नॉर्थ ईस्ट में आपकी टोटल एट स्टेट्स हैं। पहले इनको सेवन सिस्टर्स बोला जाता था, बट फिर सिक्किम को ऐड किया तो अब वो सेवन सिस्टर्स का कंसेप्ट कहीं ना कहीं डिम हो गया, तो नाउ यू कैन कॉल देम एट सिस्टर्स। ओके, तो ये एट स्टेट्स हैं। और दो आइलैंड, बहुत इंपॉर्टेंटली इसको ध्यान रखना, इंडिया के पास ये दो आइलैंड जो दोनों हैं, ये दोनों के दोनों यूटीज हैं। इनको हम आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इलैबोरेट करेंगे, हर एक जोन को उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा इजी वे में कैसे इंडिया को पूरे के पूरे उसके मैप को आपने कैसे ब्रेक करना है और ब्रेक करके कैसे इसको पढ़ना है। ठीक है, लेक्चर को आपने इजी रखना है, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। जितना इजीली, जितना टीचर एक स्टूडेंट के माइंड के हिसाब से पढ़ाएगा, स्टूडेंट को उतना ही समझ आएगा। तो मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी अभी तक याद ही कर रहा हूं, अभी तक हर चीज लर्न कर रहा हूं, वैसे ही आप भी लर्न कीजिए और आपको भी इजीली ये चीज समझ आती जाएगी। तो ये तो था सारा ब्रेकअप। अब टोटल इंडिया के पास स्टेट्स और यूटीज है कितनी? एट प्रेजेंट 2020 में इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आपको सिंपली क्वेश्चन आ सकता है 2020 में इंडिया के पास कितनी स्टेट्स हैं? तो आप बता सकते हैं 28 स्टेट्स। 2020 एट प्रेजेंट इंडिया के पास कितनी यूटीज हैं? तो आप बता सकते हैं 8 यूटीज। बट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जामिनर आपको ट्रिक कर सकता है और वो एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया, तो आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि 2019 में इंडिया के पास कितनी स्टेट और कितनी यूटी थी, तो इंडिया के पास थी 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज। 29 स्टेट्स और 7 यूटीज इंडिया के पास 2019 में थी। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और डेप्थ में स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की ट्राई करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, 2020 में, ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, इंडिया के पास 28 स्टेट्स थी और 8 यूनियन टेरिटरीज थी। बट अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है, जैसे कि बहुत बार एग्जामिनर ट्रिक करने की कोशिश करता है, स्टूडेंट के माइंड को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है, तो आपने बताना है अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2019 में कितनी स्टेट्स और यूटीज थी, तो 29 स्टेट्स थी और 7 यूटीज। इसका आपको मैं बता देता हूं, रिसेंटली जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया, तो 29 से 28 स्टेट्स हो गई, तो 8 यूटीज हो गई। सिमिलरली दादरा नगर हवेली को और दमन एंड दीव को, वो दोनों अलग अलग सेपरेट यूटीज थी, उनको कंबाइन करके एक यूटी बना दिया गया। ओके, अब हम आगे चलते हैं टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं।
प्लीज बोर मत होइएगा टॉपिक से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको बस आपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। और स्टेप बाय स्टेप हमारी जो पूरी लेक्चर सीरीज मास्टर्स की, आपको घर बैठे बिठाए पकी पकाई खिचड़ी मिल जाएगी। आपने इस चैनल को फॉलो करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे और ज्यादा आगे, क्लोज इन करते हैं टॉपिक पे। इंडिया किस किस स्टेट्स एंड कैपिटल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं? इंडिया की अगर मैं आपको इंडिया, मेरा देश भारत, इसके बारे में अगर बताने जाऊंगा तो शायद पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे। और हमें, मैंने जैसे बताया था, पीएचडी नहीं करनी टॉपिक पे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन ही करनी है। तो थोड़े से फैक्ट्स, बिल्कुल एकदम ऐसे हल्के से फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया के बारे में, जो आपको पता होने चाहिए कि अगर आप लकी हुए ये फैक्ट्स में से आपको क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले मैं जैसे बताऊं, इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया में आता है, और एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर या साउथ एशियन रीजन में आता है। ओके, इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में आता है और एशियन कॉन्टिनेंट में साउथ एशियन रीजन में आता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में अगर आपको एक और चीज बताऊं, इंडिया जो है वो दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। और अगर मैं आपसे, आपको इससे थोड़ा सा पहले का बता दूं, तो पहले इससे कौन कौन सी कंट्रीज है, जैसे कि सबसे पहले आ जाती है रशिया, दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है रशिया। नंबर टू पे आपकी आ जाती है कैनेडा, दुनिया की पहली सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, क्रोनोलॉजी देख लीजिए। नंबर टू पे आ जाती है कैनेडा। नंबर थ्री पे आपकी आ जाती है चाइना। नंबर फोर पे आपका आ जाता है यूएसए। नंबर फाइव पे आपका आ जाता है ब्राजील। नंबर सिक्स पे आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। और नंबर सेवेंथ पे आ जाता है आपका इंडिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको खाली स्टेट्स एंड कैपिटल्स के बारे में पता हो तो आप कोई भी बुक उठाइए, बट मैंने जैसे आपको बताया, हम इसको आपको बहुत सारा सब्स्टिट्यूट करके दे रहे हैं फैक्ट्स को। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, रशिया, कैनेडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है इंडिया। ओके, आगे चलते हैं। हर एक टॉपिक को इजीली ब्रेक करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली वो टॉपिक समझ भी आता जाएगा। हल्के हल्के से टॉपिक में जीरोइंग करना है और फिर आपको जो है ये टॉपिक समझ आता जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था 2019 और 2020 वाली बात, वो टॉपिक देखिए कैसा है। 2019 में 29 स्टेट्स थी और 7 यूटीज थी 2019। बट आप जम्मू कश्मीर के प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो रिसेंटली इतनी हलचल हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे दिन हम लॉकडाउन में रहे, कोरोना के पहले लॉकडाउन में रहे, 5 अगस्त को एक बहुत ही बड़ा फैसला आया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया। इसके लिए सेपरेट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर, बिकॉज हम टॉपिक के साथ रहने वाले हैं, इससे ज्यादा डिवेट नहीं करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा बताऊंगा कि ये हुआ क्या था, बिकॉज मेरे को अपने ये 2019 और 2020 वाला जो लॉजिक है उसको क्लियर करना है। तो सबसे पहली बात, अगस्त में क्या होता है, 5th ऑफ अगस्त को इंडियन पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया गया कि J&K जो है उससे 370 को हटा दिया गया है। 5 अगस्त में यह बिल इंडियन पार्लियामेंट में पास कर दिया गया कि J&K से आर्टिकल 370 हट रहा है, और 31st अक्टूबर, हाँ जी फ्रेंड्स याद रखिए, 31st अक्टूबर 2019 J&K जो पहले एक स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट थी, उसको इंडिया के साथ होल सोली मर्ज करके यूटी बना दिया गया। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगस्त 5 को इंडियन पार्लियामेंट में बिल पास किया गया जहां से 370 को रिवोक कर दिया गया, आर्टिकल 35A को रिवोक कर दिया गया। ये सब आर्टिकल्स हमारे चैनल पे आपको एक
एक्सप्लिसिटली हम आपको इसको डिफाइन करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। अभी हम टॉपिक के साथ रह के बता रहे हैं, पार्लियामेंट में 370 हटा दिया गया 5 अगस्त को और 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर 2019 को जेएनके स्टेट को यूटी बना दिया गया। ना सिर्फ जेएनके स्टेट को बट इसी डेट 31 अक्टूबर 2019 को जेएनके में से माइनस किया गया लद्दाख को। एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको कि जेएनके से लद्दाख को माइनस किया गया और लद्दाख को भी एक सेपरेट यूटी बना दिया गया और जेएनके को बनाया गया स्टेट यूटी। इसको हम आपको जैसे मैं बता रहा हूं हमारे जो बाकी लेक्चर सीरीज आएगी उसमें आपको यह समझा दिया जाएगा, जेएनके की पॉलिटी, जेएनके की हिस्ट्री, जेएनके की ज्योग्राफी, जेएनके की इकोनॉमी, जेएनके का टूरिज्म, हम आपको अच्छे से इसके बारे में बता देंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 29 स्टेट से 28 स्टेट कैसी हो गई, ये कंसेप्ट था, बिल्कुल एक ब्रीफली आपको समझा दिया ताकि आपको पीछे का समझ आए और अच्छे से आप इस टॉपिक को ग्रास्प कर सको। सिमिलरली दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों अलग यूटीज थी, इनको मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया जो कि ये बने हैं 26 जनवरी 2020 को फुल इफेक्ट के साथ। दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव को कंबाइन या मर्ज करके अगर आपसे कोई पूछे भाई ये दो यूटीज थी कि एक यूटी कैसे बन गई, तो 26 जनवरी 2020 को फुल इफेक्ट के साथ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव इन दोनों को मर्ज करके सिंगल यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से एट प्रेजेंटली इंडिया के पास अब आ गई हैं 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। तो फ्रेंड्स जैसे हम बात कर रहे थे, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने बताया कि इंडिया को हम जोन्स में ब्रेक करके फिर प्रिपरेशन करेंगे। हर एक टॉपिक को ब्रेक करके पढ़ोगे तो इजीली आपको समझ आएगा। तो जैसे मैं बता रहा था, मैंने आपको पहले चार्ट बना के बताया था नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन और आइलैंड्स। अब हम उसको वन बाय वन ब्रेक करके आपको बताएंगे। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन में मैंने आपको बताया था टोटल 9 स्टेट्स हैं, जिसमें कि 5 स्टेट्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सबसे पहले हम इंडिया के मैप को आप इमेजिन कीजिए, एकदम टॉप से डिस्कस करना शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और फिर नीचे नीचे आहिस्ता हम आते हुए आपके ये 99 स्टेट्स और यूटीज को डिस्कस कर लेंगे जो नॉर्थ जोन में आती है। तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारी अपनी स्टेट जम्मू कश्मीर, जो कि एक यूटी है। इसकी कैपिटल्स, इसकी विंटर कैपिटल है जम्मू और इसकी समर कैपिटल है श्रीनगर। आपसे जो एग्जामिनर है वो कभी ट्रिक करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल कौन सी है, तो लोग क्या करते हैं वो ना थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं समर का मतलब है जम्मू में गर्मी होती है तो चलो समर कैपिटल जम्मू लगा दो। नहीं, उसकी समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू, जो कि दरबार मुंह के साथ यहां पे हर 6 महीने के बाद यहां पे शिफ्ट होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जम्मू कश्मीर एक यूटी है तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो हैं, ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट यूटी है तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, ना ही गवर्नर ना ही एडमिनिस्ट्रेटर, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जब रिसेंटली आगे आने वाले फ्यूचर में जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगी और फिर हमें हमारा सीएम मिल जाएगा यूटी बनने के बाद, बट अभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था स्टेट्स एंड कैपिटल्स तो हर बंदा पढ़ा देगा, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं वो ये पढ़ा रहे हैं कि इन स्टेट्स या ये यूटीज के साथ इसके नेशनल नेबर्स कौन से हैं,
इसके इंटरनेशनल नेबर्स कौन से हैं और इसकी फॉर्मेशन डेट क्या है। मुझे लगता नहीं है कि कोई और वीडियो आपको ऐसी चीज बताने वाली है, बिकॉज हम डेप्थ में भी जा रहे हैं टॉपिक के और बहुत सारी चीजों को हम लीव भी रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम पास करना है, इस एग्जाम को पीएचडी के साथ पास नहीं करना। तो सिंपली हम आगे चलते हैं। जम्मू कश्मीर के जो यूटी है उसके नेशनल लेबर्स, यानी कि नेशनल लेबर्स हो गए इंडिया के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स या यूटीज उनको टच होती हैं। तो जम्मू कश्मीर के साथ सबसे पहले यूटी टच होती है लद्दाख की, जो कि पहले हमारा अपना हिस्सा होता था, बट अब वो हिस्सा अलग हो गया है और लद्दाख एक सेपरेट यूटी है। तो ये हमारी नेशनल लेबर है। फिर हमारे नेशनल लेबर आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश, कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश हमारे नेशनल लेबर है। और उसके साथ हमारे को और कौन सी स्टेट टच होती है, वो है आपकी पंजाब। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये थे, और हमारे को कौन कौन सी स्टेट टच हो रही है या कौन कौन सी बाउंड्रीज हम शेयर कर रहे हैं, वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। अब आप बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर्स की। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एट प्रेजेंट जम्मू कश्मीर के साथ कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर कर रही है। पहले पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक साथ में थे, तब जम्मू कश्मीर को तीन कंट्रीज टच कर रही थी, चाइना, पाकिस्तान और गिलगित बल्टिस्तान, जो पीओके ने अभी हमारा कब्जा कर लिया हुआ है, वहां पे अफगानिस्तान भी जम्मू कश्मीर को टच कर रहा था। ये बहुत कम लोगों को पता है, ये बहुत ऑब्जेक्टिव फैक्ट हमने मेहनत करके ढूंढ के आपके लिए निकाला है। बट एट प्रेजेंट 2020 का स्टेटस देखा जाए तो पहले के मुकाबले तीन के बजाय सिर्फ एक ही कंट्री टच करती है, वो है पाकिस्तान, ओनली वन इंटरनेशनल लेबर। और फॉर्मेशन डेट, ऐसे तो बहुत हिस्ट्री में बड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा, वो आपको कोई नहीं पूछेगा। बट अगर आपको कोई ये पूछता है कि जम्मू कश्मीर एज यूटी कब बनी, तो उसकी फॉर्मेशन की डेट है 31st October 2019। तो आप ये समझ सकते हैं जम्मू कश्मीर एक यूटी है, उसकी विंटर कैपिटल जम्मू है, समर कैपिटल श्रीनगर है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी हैं, उसके नेशनल नेबर्स यानी कि हमारी स्टेट से उसको सर टच हो रही हैं, वो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, और इंटरनेशनली उसको पाकिस्तान टच कर रहा है, उसकी फॉर्मेशन डेट ये है। अब मैं आपको कुछ ट्रिकी फैक्ट्स बताता हूं जो आपको पता होने चाहिए। हाँ, बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, बट बहुत सारी बुक्स में नहीं मिलेंगी। हमने बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है, प्लीज इस वीडियो को देखते रहिए, और आपके 3 से 4 मार्क्स इस टॉपिक के थ्रू हर एग्जाम में आपको सिक्योर करने हैं इस पूरी लेक्चर सीरीज को देखने। हार्डली 1 से 1.5 घंटे की यह सीरीज होगी, 4 से 5 वीडियोस इसमें होगी। आपको हम साइड बाय साइड हर डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता काफी लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स ऐसे बता रहा हूं जो कि आपको पता होने चाहिए, स्टेट्स एंड कैपिटल्स के साथ ही रिलेट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले अगर कोई आपसे पूछे जम्मू कश्मीर का लास्ट गवर्नर कौन था, लास्ट गवर्नर जम्मू कश्मीर के थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, गवर्नर सत्यपाल मलिक जी, ये हमारे स्टेट के लास्ट गवर्नर थे। और फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारी स्टेट के आगे श्री जीसी मुर्मू जी। अगर आपसे एग्जामिनर और ज्यादा ट्रिक करता है जम्मू कश्मीर के हिसाब से, वो पूछता है किसके गवर्नरशिप के अंडर जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया या जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया गया, तो आप बता सकते हैं सत्यपाल मलिक जी के अंडर ये वाला एक इंपॉर्टेंट डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। ओके, जीसी मुर्मू हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और सत्यपाल मलिक जी हमारे लास्ट गवर्नर थे। अब मैं कुछ और फैक्ट्स आपको बता देता हूं। जेएनके में टोटल, ये हर एक स्टेट की पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जेएनके के बारे में बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है। जेएनके में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पहले 22 थी, लद्दाख अलग हो गया, वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स ले और कारगिल लद्दाख के साथ चली गई। अभी जेएनके में 20 डिस्ट्रिक्ट टोटल हैं। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट एट प्रेजेंट जेएनके में, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, अब बन गई है डोडा, जो कि पहले थी ले और अब सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट डोडा। और अब मैं बताता हूं पॉपुलेशन वाइज,
पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जम्मू कश्मीर में? डिस्ट्रिक्ट जम्मू। सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है डोडा और सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है जम्मू। अब मैं आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर में जो सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, यहां पे यूज कर लेते हैं। लार्जेस्ट सिटी ऑफ जेएंडके आपकी श्रीनगर। श्रीनगर सिटी जो है वो जम्मू कश्मीर की सबसे लार्जेस्ट सिटी है और ये आपका जम्मू कश्मीर का डाटा, इसके अकॉर्डिंग इससे थोड़ा ज्यादा बट बहुतों से थोड़ा कम। जम्मू कश्मीर यूटी, इसकी कैपिटल्स, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, इसके नेबर्स, इसके इंटरनेशनल नेबर, इसकी फॉर्मेशन की डेट, इसकी लार्जेस्ट सिटी, इसकी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज, इसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट जम्मू। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चार्ट को एज इट इज रहने देंगे, आप इसके साइड बाय साइड वीडियो देखते देखते नोट्स बना लीजिए सो दैट आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सको। हार्डली दो या तीन रीडिंग्स के बाद आपको ये टॉपिक्स इजीली दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोरोना चल रहा है, घर पे बैठे आराम से और वीडियो देखते रहिए और इजिली इसको अंडरस्टैंड करते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नॉर्थ जोन की दूसरी स्टेट या दूसरी यूटी को डिस्कस करते हैं। इस यूटी का नाम है, ये भी हमारी ही यूटी होती थी, जम्मू कश्मीर की यूटी होती थी, बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब अलग हो गई है। 31 अक्टूबर 2019 को ये अलग यूटी बन चुकी है, सेपरेट होल सोल यूटी। जम्मू कश्मीर की तरह स्टेट असेंबली वाली यूटी नहीं है, लद्दाख होल सोली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड यूटी है। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं लद्दाख की। इसकी कैपिटल है ले, जो कि इसकी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। लद्दाख की कैपिटल है ले, इसकी लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी ले है। टोटल लद्दाख में दो ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक है ले और एक है कारगिल। एक है ले और एक है कारगिल। अब हम बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की। यहां पे भी आपके जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं वो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर के माथुर जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर के माथुर जी ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं आपके लद्दाख के। और अब हम आगे बात करते हैं लद्दाख के नेबर्स की, नेशनल नेबर्स कौन कौन सी स्टेट और कौन कौन सी यूटी टच होती है। लद्दाख को हिमाचल प्रदेश टच होता है और जम्मू एंड कश्मीर, जो कि मैं बार बार बता रहा हूं पहले ही एक हिस्सा था, अब ये दोनों अलग हो चुके हैं। इंटरनेशनली लद्दाख को कौन कौन सी कंट्रीज टच होती हैं, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत ज्यादा इंटरनेशनली नेशनली ये इशू क्रिएट हुआ है। गलवान वैली आप सुन चुके हैं, पैंगोंग लेक सुन चुके हैं, चाइना और इंडिया के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, तो लद्दाख एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट और कैपिटल यूटीज के साथ। ठीक है, चाइना, लद्दाख के साथ चाइना टच होता है, लद्दाख के साथ पाकिस्तान टच होता है और लद्दाख के साथ अफगानिस्तान भी टच होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं हिमाचल प्रदेश और जेएनके के नेशनल नेबर्स हैं, यानी कि वो स्टेट्स जो इंडिया की हैं और इसको टच हो रही हैं, बट इंटरनेशनली इसको चाइना, बार बार मैं बोल रहा हूं इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, चाइना लद्दाख के साथ टच हो रहा है, बहुत एक करंट अफेयर्स का बर्निंग टॉपिक है, चाइना लद्दाख के साथ है। आपसे वो ऐसे पूछ सकते हैं कि चाइना के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स की बाउंड्री शेयर होती है, तो एक तो लद्दाख आ गई और आगे हम आपको ईस्टर्न जोन या नॉर्दर्न जोन में और बाकी स्टेट्स का बताएंगे जिनके साथ चाइना अपनी बाउंड्री शेयर करता है।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान। और ये आ गए। एक और चीज मैं आपको लद्दाख के बारे में बताना चाहता हूं, लद्दाख के बारे में ये बताना चाहता हूं, एक एमपी है वहां के, एक ही एमपी है, श्री जामयांग तसिंग नामग्याल। ये एमपी बीजेपी के हैं। इनका नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये एमपी साहब काफी टाइम से न्यूज में बने हुए हैं। इन्होंने बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीच दी थी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर और वहां से बहुत फेमस हो गए। तो मैं उनका नाम वापस लिख देता हूं, जामयांग, स्पेलिंग देख लीजिएगा, तसरिंग नामग्याल, ये बीजेपी के एमपी हैं। ये आपको नाम इनके साथ याद रखना पड़ेगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं, लद्दाख इसकी कैपिटल ले है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी ले है। इसकी टोटल दो ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक ले एक कारगिल। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आर के माथुर साहब हैं। जामयांग तसरिंग नामग्याल जी बीजेपी के एमपी हैं, इनके बहुत फेमस एमपी हैं, इसलिए आपको नाम बता रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम वो सब फैक्ट्स को कवर करेंगे जो इस टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं, जो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। नेशनल लेबर्स हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, इंटरनेशनल लेबर्स के चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसकी सेम डेट है, ये ट्रिक आप याद रखिए, जम्मू कश्मीर को जब यूटी का स्टेटस मिला तो लद्दाख को भी यूटी का स्टेटस इसी डेट 31 अक्टूबर 2019 को मिल गया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, नॉर्दर्न जोन की, जिसका नाम हिमाचल प्रदेश। तो थर्ड आ जाता है नॉर्थ जोन में, हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसको ब्रेक कर करके टॉपिक को पढ़िए तो आपको इजीली ये टॉपिक समझ आ जाएगा। हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल्स हैं दो। हिमाचल प्रदेश की टोटल दो कैपिटल्स हैं, जम्मू कश्मीर की तरह एक कैपिटल है उसकी शिमला, जो कि समर कैपिटल है, और एक कैपिटल है उसकी धर्मशाला, जो कि उसकी विंटर कैपिटल है। यहां पे क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक फुल फ्लेज स्टेट है तो यहां पे सीएम भी होंगे, और यहां के सीएम हैं श्री रमेश ठाकुर जी, सॉरी श्री जयराम सिंह ठाकुर, नॉट रमेश, श्री जयराम ठाकुर, ये बीजेपी के सीएम हैं, यहां पे बीजेपी की सरकार है, जयराम ठाकुर जी यहां के सीएम हैं। और यहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होते बिकॉज हिमाचल प्रदेश एक फुल फ्लेज स्टेट है, तो यहां पे गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर यहां पे कौन है, श्री बंदारू दत्तात्रेय। जयराम ठाकुर जी बीजेपी के सीएम है हिमाचल प्रदेश के, और बंदारू दत्तात्रेय जी यहां के गवर्नर हैं। फिर से बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला, समर कैपिटल धर्मशाला, विंटर कैपिटल। और ये बाइफर्केशन जो समर और विंटर कैपिटल की हुई थी, ये हुई थी 2017 में। ये आप याद रखिएगा, शिमला और धर्मशाला जो समर और विंटर कैपिटल्स अलग अलग बनाई गई, ये 2017 में हुए। यहां पे सीएम जयराम ठाकुर जी बीजेपी के, और गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के नेबर्स की। जैसे मैंने बताया, हम हर टॉपिक को ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, उनके नेबर्स, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, कैपिटल्स और उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को थोड़ा डेप्थ में इसलिए पढ़ाया क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी है। हिमाचल प्रदेश या बाकी सब स्टेट्स और यूटीज को हम उनको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, बट जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम अपने से आपको दे सके, जो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको मार्क्स स्कोर करके दें, वही फैक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम बात करते हैं इसके हिमाचल प्रदेश के नेबर्स की। सबसे पहले इसके नेबर आ जाता है आपका अपना जम्मू कश्मीर, आपका लद्दाख। ये दोनों जेएनके और लद्दाख हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर इसके साथ आ जाता है पंजाब, पंजाब भी अपनी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है, और पंजाब के साथ हरियाणा। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा, ये सब की सब स्टेट्स हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, और उत्तराखंड भी अपनी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है,
और यूपी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 states जिसमें से 2 UTs हैं और 4 states ये अपनी बाउंड्रीज हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करते हैं। इसको आसान तरीका कैसे है, जब भी आप कोई अपना नाम लेंगे तो जम्मू कश्मीर लद्दाख का नाम तो आपको याद रहता ही है, इकट्ठे इकट्ठे पढ़िए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके नेबर्स, पंजाब और हरियाणा का नाम भी हम कहीं ना कहीं साथ में लेते हैं तो वो भी इसके नेबर्स, यूके और यूपी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इनका नाम भी हम कहीं ना कहीं साथ में लेते हैं और साथ में लिखने में भी है तो ये इसके नेबर्स, ये आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। सॉरी, अब हम करते हैं बात हिमाचल प्रदेश के इंटरनेशनल नेबर्स की कि इंटरनेशनली हिमाचल प्रदेश के साथ कौन कौन सी कंट्री अपनी बाउंड्री शेयर करती है। पाकिस्तान नहीं करता, अफगानिस्तान नहीं करता, सिर्फ इकलौता चाइना। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर कौन कौन सी स्टेट्स के साथ चाइना आता है या चाइना कौन कौन सी स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चाइना के साथ कौन कौन सी, चाइना के साथ कौन कौन सी अपनी बाउंड्री शेयर हो रही है। हिमाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री चाइना के साथ शेयर करता है और हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन की डेट है 1971। हिमाचल प्रदेश ब्रेक हुआ था पंजाब से। अगर कोई आपसे ये पूछे हिमाचल प्रदेश कब बना तो 1971 में बना। अगर कोई आपसे ये पूछे एग्जामिनर जैसा मैंने बताया ट्रिकी क्वेश्चन कि किस स्टेट से हिमाचल प्रदेश अलग होके बना है तो आप बता सकते हैं पंजाब से हिमाचल प्रदेश अलग होके बना है। तो ये आप देख सकते हैं वापस J&K लद्दाख एक जैसे नाम, पंजाब हरियाणा एक जैसे और यूके यूपी ये इसके नेशनल नेबर्स, ये इंटरनेशनल नेबर्स, CM गवर्नर कैपिटल्स जैसे मैंने आपको बताया 2017 में अलग और ये इसकी फॉर्मेशन डेट। तो यहां पे भी आपकी 3 states नॉर्थ जोन की हो गई हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्थ जोन को आज हम यहीं पे रखते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टूडेंट को बोर नहीं करते हैं, वीडियो छोटा रहे, टॉपिक छोटा रहे, इजी रहे, ब्रेक रहे तो स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ जाता है। मैं भी किसी टाइम स्टूडेंट था, इनफैक्ट मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ चीज़ों को। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, मैंने बहुत सिंपल वे में ब्रेक कर करके वीडियो समझाई है एक लेमन लैंग्वेज में ताकि एक कम पढ़ा हुआ आदमी भी इसको अच्छे से पढ़ पाए, 10th 12th वाले भी पढ़ पाए, समझ पाए और ग्रेजुएटेड हो PhD हो वो लोग भी इसको अच्छे से समझ पाए। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। आप हमारे मास्टर चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सो दैट हम लोग मोटिवेटेड रहे, हमारी पूरी फैकल्टी मोटिवेटेड रहे, हम इस एग्जाम की JKSSB के हर एग्जाम की हर टॉपिक को थॉरोली इजीली और कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाएंगे आपको घर बैठे। आपको इससे अच्छा मुझे नहीं लगता वीडियो डाटा इस टॉपिक के ऊपर मिल पाएगा। तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोज लेके आएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।